विश्वनाथ मंदिर में सावन माह के पहले सोमवार को भक्तों का अपार जनसमूह देखने को मिला। शिव भक्तों ने बड़ी ही श्रद्धा भाव से लाइन में लगकर बाबा का जलाभिषेक किया और उनका आशीर्वाद लिया। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं को सरोवर की सुंदरता मनमोह रही थी। पूरे सावन माह में इसी प्रकार इस प्राचीन मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा रहता है और श्री धोपेश्वरनाथ मंदिर में आए श्रद्धालु बाबा का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री धोपेश्वरनाथ मंदिर में सावन माह में अनेक धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अनेक भंडारों का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें दूर दराज से आए श्रद्धालु बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। नाग पंचमी के अवसर पर मंदिर परिसर में विशाल काल सर्प पूजन का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि इस पूजन में सम्मिलित होने के मात्र से ही काल सर्प योग से मुक्ति मिलती है। न्यूज टुडे नेटवर्क के संवाददाता सचिन माहेश्वरी से बातचीत करते हुए मंदिर के पुजारी श्री घनश्याम जोशी ने जानकारी दी। सोमवार और जैसा कि बरेली के सभी शिवालयों में पूरे सावन माह में भक्तों की खासा भीड़ देखने को मिलती है, इसी क्रम में आज हम मौजूद हैं बरेली के श्री धोपेश्वरनाथ मंदिर में, और जहाँ पर सुबह प्रातःकाल 4 बजे से ही एक बहुत लंबी लाइन लग चुकी थी। जो बारी बारी भक्त लोग लाइन में लग के बाबा को आके जलाभिषेक किए और बाबा का श्रृंगार किए, और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं धोपेश्वरनाथ मंदिर के पंडित जी। आइए बात करते हैं उनसे। महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम। महाराज जी आपका शुभ नाम? आचार्य घनश्याम जोशी। महाराज जी आज भक्तों की बहुत अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, कैसा क्या कहना चाहेंगे? देखिए विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण जो भक्तों में उत्साह था किंतु आने के लिए प्रतिबद्ध थे, सरकार की ओर से जो गाइडलाइन के नियम कहे गए थे उसके लिए आ नहीं पा रहे थे, तो वह अब जब कोरोना एक प्रकार से पूर्णतः समाप्त हो चुका है तो वह भक्तों का उत्साह देखने को मिला। जैसे कि आप देख रहे थे केदारनाथ जी में अपरंपार भीड़ रही, उसी प्रकार अमरनाथ जी में, उसी प्रकार आज यहाँ बरेली को नाथ नगरी कहा जाता है, किसी भी आप देवालय में किसी भी नाथ में चले जाइए वहाँ अपार जन समूह आ जाऊँगा। महाराज जी सावन के महीने में अपने मंदिर में और भी बहुत सारे विशेष अनुष्ठान होते रहेंगे, क्या खास रहेगा? देखिए विशेष श्रावण माह भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। श्रावण माह में भगवान शिव को रुद्राभिषेक परम प्रिय है। जो भक्तजन जिनकी जैसी मनोकामना होती है वह अपनी मनोकामना के अनुरूप भगवान का अभिषेक करते हैं, कोई गंगा जल के द्वारा, कोई गाय के दुग्ध के द्वारा, कोई गन्ने के रस के द्वारा, अनेक पदार्थ जिनके द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। लेकिन साथ ही साथ इस श्रावण माह के अंतर्गत ही शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी का तिथि पड़ती है। जातकों के जिन व्यक्तियों के जन्म कुंडली में काल सर्प दोष होता है अथवा पितृदोष होता है, इस दिन नाग पंचमी के दिन व्यक्ति वह दोष की शांति पूजन करवा सकता है। कांवड़ियों का भी विशेष हलचल रहती है मंदिर में, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए कांवड़ियों का बाबा का भगवान शिव को गंगा जी अत्यंत प्रिय है, गंगा जल का अभिषेक अत्यंत प्रिय है, तो जो युवा वर्ग हैं इस समय वह अति उत्साहित हैं। 2 वर्षों बाद यह सौभाग्य मिला तो वह गंगा जी से कछला घाट से हरिद्वार से लोग गंगा जल भर कर लाते हैं और यहाँ बाबा का अभिषेक करते हैं। कहते हैं कि जो भी बाबा को कांवड़ चलाते हैं उनकी मनोकामना शिव पूरी होती है और भगवान शिव उनको अत्यंत स्नेह प्रदान करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे महाराज जी हमारे साथ हैं और उन्होंने मंदिर के विषय में बहुत सारी जानकारी हमें दी और बताया कि कांवर भगवान शिव को क्यों प्रिय है। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क के लिए। मैं सचिन महेश्वरी।